आमदार सुहास कांदे व शिवसेना पदाधिकारी यांनी मनमाड गुरुद्वारा येथे भेट दिली। गुरु नानक देव जयंती निमित्त गुरुद्वारात जाऊन मनोभावे दर्शन घेतले। उपस्थित समाज बांधवांना जयंती निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत। यावेळी गुरुद्वारा प्रबंधक बाबा रणजित सिंग यांचा सत्कार आमदार सुहास कांदे यांनी केला। या प्रसंगी बोलताना गुरुद्वाराच्या माध्यमातून मोठे समाज कार्य होत असते। प्रत्येक सामाजिक अडचणीत गुरुद्वारातर्फे उत्तम कार्य केले जाते आणि यासाठी भविष्यात गुरुद्वाराच्या विस्तारासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे। गुरुद्वाराच्या माध्यमातून नियमित होत असणाऱ्या सामाजिक व धार्मिक कार्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांनी रोख स्वरूपात 5 लाख रुपये देणगी बाबाजींकडे सुपूर्द केली। यावेळी युवासेना जिल्हा प्रमुख फरहान खान, अल्ताफ खान, उपजिल्हा प्रमुख सुनील हंडगे, तालुका प्रमुख साईनाथ गिरगे, शहर प्रमुख मयूर बोरसे, युवासेना शहर अधिकारी योगेश इंगले, आसिफ शेख, माजी नगराध्यक्ष बबलू पाटील, पिंटू शिरसाट, राकेश ललवाणी, एजाजा अप्पा आंधळे, अमीन पटेल, आजू शेख, दिनेश घुके, निलेश ताठे, पिंटू वाघ, महेंद्र गरुड, अतुल भंडारी, अमोल दांडगभाल, अजिंक्य साळी, प्रमोद अहिरे, स्वराज वाघ, सचिन दरगुडे, निलेश व्यवहारे उपस्थित होते। गुरु नानक जी जयंती है, मैं सभी मेरे जो भी मनमन के मेरे बांधव हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। वैसा देखा जाए तो ये गुरुद्वारा नांदेड़ के बाद में हमारा मनमन का हमको अभिमान है कि नांदेड़ के बाद में जो गुरुद्वारा बना वो मनमन का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुराने बाबा जी अच्छे नहीं थे, काम नहीं करते थे, लेकिन कभी भी आदमी को उसके काम से चुना जाता है, गिना जाता है। जब से अपने बाबा जी आए तब से गुरुद्वारा का कायापालट हो गया। उसमें से गोर गरीबों को खाना कोई चाहता नहीं, बाढ़ आने दो, गोर गरीबों की नुकसान हो, गोर गरीब बेघर हो, वाहेगुरु ने तो कभी चाहा नहीं, लेकिन ऊपर वाला है जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा वक्त लाता है, सभी अच्छा वक्त देगा जिसके उसके धर्म के अनुसार, जिसके उसके भगवान को भूल जाएगा। कभी तो भी बुरा वक्त आएगा तो भगवान की याद आएगी, वाहेगुरु की याद आएगी। तो जब भी हमारे मनमाड़ के ऊपर कुछ बुरा प्रसंग आया, बुरा वक्त आया, तभी तभी बाबा जी के सब लोग ये गुरुद्वारा हमारा बाप बन गए, हमारा पिताजी बन गए, हमारा गुरु बन गए, हमारे पीछे खड़े रहे। कोई ऐसा मौका नहीं होता जिस टाइम पर वो यहाँ पर ना पहुंचे हो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। सुख दुख सब में यहाँ पर आकर वो अपना शेयर करते हैं और बाबा जी से अपना दिल खोलते हैं। उसके साथ साथ कुछ हमारे साथ भी वो उस तरीके का पूरा तरीके से व्यवहार करते हैं। अच्छा, हमारा आपस में इंटेग्रेशन होता है, हमारी बातें सुनते हैं। अन्ना एक ऐसा इंसान है जिसे कहा जा सकता है कि एक छोटे से कस्बे की बाढ़ से पला हुआ। उनके पेरेंट्स वहाँ थे, वहाँ कारखाने में थे, वहाँ पर से ये बड़े हुआ इंसान। अच्छी एजुकेशन भी इसने, एमए फिलॉसफी है जो इन्होंने नासिक से हासिल की। अपने टाइम के एक अच्छे स्कॉलर थे और ये कहते कुछ घटनाएं जो कॉलेज की होती हैं उसके हमेशा हेड रहे, उनके प्रेसिडेंट रहे और उनकी रहनुमाई करते, जो कि आज जिंस के अंदर आज भी है, जो कि वो रहनुमाई हमारी कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भी एमएलए चुन के आएगा, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े कहा जाएंगे भी महारसी थे, पर उनको हराने के बाद अगर ये इंसान हमारे सामने आता है तो जितनी इस आदमी की तारीफ की जाए वो कम है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एमएलए हमारे को मिला है। इतने सालों के अंदर आज मैं भी कम से कम यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूँ, जितने भी एमएलए इतना काम किसी ने किया जिस इंसान ने थोड़े से स्पैन के अंदर पूरा करके दिखाया और चल भी रहा है। नाशिक लोकशाही न्यूज साठी अविनाश मगर, मनमाड़।